हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन चार्ट्स कैसे बनाते हैं। कॉम्बिनेशन चार्ट्स को 2x वाले चार्ट्स भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, यहां पर एग्जांपल के लिए हम लोगों ने एक कंपनी का डेटा ले रखा है, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक कंपनी का टोटल रेवेन्यू है और इस रेवेन्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट ए से। तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू जनवरी में 300 करोड़ है और उस एक प्रोडक्ट ए से 2 करोड़ का रेवेन्यू आया है। तो इसी को हम प्लॉट करना चाहते हैं कॉम्बिनेशन चार्ट्स में। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑलरेडी एक चार्ट मैंने बना रखा है कॉम्बिनेशन चार्ट। तो जो ब्लू वाला एक्सेस है वो टोटल रेवेन्यू दिखा रहा है कंपनी का और जो लाइन है वो आपको प्रोडक्ट ए का रेवेन्यू दिखा रहा है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे अगर आपको इस चार्ट को रीड करना है तो ब्लू एक्सेस के लिए आपको लेफ्ट वाला वाई एक्सेस रीड करना पड़ेगा और लाइन चार्ट के लिए आपको राइट वाला वाई एक्सेस रीड करना पड़ेगा और एक्स एक्सेस में आपके मंथ्स लिखे हुए हैं। और दो वाई एक्सेस की इसलिए जरूरत पड़ी फ्रेंड्स क्योंकि इनका स्केल काफी डिफरेंट है। आप अगर ब्लू एक्सेस देखेंगे ये 400, 500, 1000 करोड़ की बात करता है और राइट वाला वाई एक्सेस देखेंगे आप यानी लाइन ग्राफ 10, 20, 30 करोड़ की बात करता है। अगर एक ही एक्सेस पे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ये लाइन फ्लैट कर्व की तरह दिखाई देगी। तो चलिए फ्रेंड, ग्राफ बनाना सीखते हैं। टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट में जाइए, लाइन ग्राफ में जाइए और लाइन ग्राफ विथ मार्कर सिलेक्ट कर लीजिए। फ्रेंड, बाय डिफॉल्ट आपका चार्ट बन गया है। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि एक ही एक्सेस में जो रेड कलर का लाइन है वो आपको दिखा रहा है रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट ए, जो ब्लू कलर का लाइन है वो दिखा रहा है रेवेन्यू इन करोड़, टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी। फ्रेंड्स, आप देखेंगे ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन दिख रहा है और यहाँ पर हम ट्रेंड्स नहीं देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट ए का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कंपनी का ट्रेंड हम देख पा रहे हैं। तो दोनों स्केल काफी डिफरेंट है। अगर हम चाहते हैं इस ग्राफ को अच्छे से रीड करना तो हमको उसको कॉम्बिनेशन चार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए फ्रेंड्स एडिट करना सीखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स बेसिक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ग्राफ का। ये जो लेजेंड्स दिख रहा है इसको बॉटम में ले जाते हैं। लेआउट पे क्लिक करिए, लेजेंड्स पे जाइए, शो लेजेंड्स एट बॉटम। फिर फ्रेंड चार्ट का टाइटल दे देते हैं, अबव चार्ट सिलेक्ट किया। टोटल रेवेन्यू वर्सेस प्रोडक्ट रेवेन्यू। फ्रेंड्स, अब हम रेड वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएंगे और यहां पर सेकेंडरी एक्सेस पे क्लिक करेंगे और क्लोज करेंगे। फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे जो रेड वाला लाइन चार्ट है वो राइट के वाई एक्सेस के साथ रीड करना है, उसका स्केल डिफरेंट हो गया, 0 to 40 करोड़ का स्केल है। और जो ब्लू वाला चार्ट है टोटल रेवेन्यू का वो वाई एक्सिस में लेफ्ट वाला जो है उसमें 0 to 1200 करोड़ का स्केल पे आप रीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहां से हमको क्लियर दिख रहा है कि प्रोडक्ट ए का रेवेन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कि भाई वो ग्रो कर रहा है। फ्रेंड्स, अब इस चार्ट को और अच्छा दिखाने के लिए आपको ब्लू चार्ट को सिलेक्ट करिए और इसका चार्ट टाइप चेंज कर दीजिए, चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे आइए और यहाँ से कॉलम चार्ट टाइप सिलेक्ट करिए और ओके करिए। फ्रेंड्स, अब हमको पता चल रहा है ये जो कॉलम चार्ट है ये टोटल रेवेन्यू का है और जो लाइन चार्ट है वो हमारा प्रोडक्ट ए का रेवेन्यू है। फ्रेंड्स, अब ग्राफ का थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ग्राफ सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट चार्ट एरिया में जाइए, ग्रेडियंट फिल में जाइए और फ्रेंड्स बाय डिफॉल्ट मुझे जो ग्रेडियंट अच्छा लगता है वो ये वाला डे ब्रेक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और क्लोज करता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका फॉर्मेटिंग आ गया है। फिर आपको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फ्रेंड, जो प्लॉट एरिया है आप प्लॉट एरिया को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट प्लॉट एरिया में जाइए, ग्रेडियंट फिल में जाइए और इसका अपन कलर चेंज करते हैं, मुझे व्हीट कलर ज्यादा अच्छा लगता है और क्लोज करिए। फ्रेंड्स, ये आपका चार्ट बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको एक चीज देखने की बहुत जरूरत है कि आप ये चार्ट टाइप कॉलम में जो हमने सिलेक्ट किया था उसको आप लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और लाइन वाले चार्ट को आप कॉलम में सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट सीरीज को सिलेक्ट करिए और अपने हिसाब से आप चार्ट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर एक और नई सीरीज ऐड करना चाहते हैं सेम मेथड से आप नई सीरीज भी ऐड कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको कॉम्बिनेशन चार्ट्स बनाना अच्छे से आया होगा, या 2x चार्ट जिसको हम बोलते हैं आप उसको समझोगे कि सेकेंडरी एक्सेस कैसे ऐड करते हैं, उसको ऐसे लिंक कैसे करते हैं और किस टाइप से हम अपने दो डेटा सीरीज को एक ही चार्ट में दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए
और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो सीखना चाहते हैं कॉम्बिनेशन चार्ट्स, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।